मैं अपने समय में सबसे क्लास की पिछली सीटों पर बैठता था और पिछली सीट वाले बच्चे को आप सबसे अगली रो में बिठा दे तो उसमें क्या बीतती है ये वो जान सकता है या सुपरवाइजर साहब जान सकता है? बड़ा मुश्किल होता है। नोकझोंक और लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं, फिर भी आत्मीयता बनी रही है। थैंक यू फेसबुक की वजह से आपसे हम मिलते रहे। पंचायती राज की जो आपने बात कही, सामने उपस्थित हुआ हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। यहाँ आप सब लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय बड़ी बहन हमारी पूर्व महापौर श्रीमती सुप्रिया एरन जी, या हमारे भारत रत्न संचार क्रांति के नायक और पंचायती राज व्यवस्था के नायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज 75वां जन्मदिन है। उस संबंध में हमने महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक गोष्ठी और वृक्षारोपण और तमाम अन्य कार्यक्रम रखे हैं। हमने उस योद्धा और उस महानायक का आज जन्मदिन है जिसने इस देश में संचार क्रांति लाने का काम किया, जिसने इस देश में 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जिसने इस देश में ग्राम पंचायत तक, न्याय पंचायत तक सीधा विकास का पैसा पहुंचाने का काम किया है, पंचायती राज व्यवस्था लाने का काम किया है, इस देश में 550 के करीब नवोदय विद्यालय बनाने का काम किया, इस देश के अंदर मेदांता हॉस्पिटल जैसी जगह में हॉस्पिटल को जगह देकर वहाँ के तमाम विदेशों के डॉक्टर लाकर बैठाकर हिंदुस्तान को अच्छा इलाज कराने का एक मौका, एक अवसर दिया। आज तमाम युवाओं को आगे लाने का जो अवसर राजीव गांधी ने दिया, इसलिए हमने नमन करते हैं, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो उनका जो योगदान था उस योगदान को भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग मिटाना चाहते हैं। जबकि हम ये कहना चाहते हैं उस संचार क्रांति के माध्यम से, उस मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सरकार में काबिज हुई और उसी संचार क्रांति का ये भाजपा और संघ के लोग विरोध करते थे जब राजीव गांधी ये संचार क्रांति लेकर आए थे। जब हमने पंचायती राज व्यवस्था लागू की तब भी ये संघ के लोग विरोध करते थे। जब हमने 18 साल के युवाओं को मत का अधिकार दिया तो भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग विरोध करते थे। आज उसी विरोध करने वाले लोग उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री रोज होते रहें इस देश के अंदर, रोज डेवलपमेंट होता रहे, नई नई स्कीम्स आती रहें, इस देश की तरक्की हो। एक सेकुलर व्यक्ति आज इस देश को चाहिए, एक मजबूत व्यक्ति चाहिए। आज जो हम हालात देख रहे हैं, इस हालात को बदले की भावना से, इस हालात को, देश के हालात को कमज़ोर करने के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और राजीव जी से प्रेरणा लेकर ये तय किया, हमने संकल्प लिया है कि हम राजीव जी से प्रेरणा लेकर इस देश में काम करें।